Good morning, children. In today's English class, we will be doing the work in your English grammar book. हम आज English grammar book में work करेंगे. Chapter number 1, sentences. Okay? So let's take out chapter number 1, the sentences. Chapter number 1, sentences. बेटा sentences क्या होते हैं? कोई भी बात जब हम किसी को कहते हैं, वो एक पूरा वाक्य है. हिंदी में जिसे हम कहते हैं वाक्य या कोई भी पूरी बात. एक पूरी लाइन जो होती है, जब तक आपका फुल स्टॉप नहीं आ जाता, जब तक आपकी एक पूरी बात खत्म नहीं हो जाती, उसे हम एक सेंटेंस कहते हैं. ओके, सेंटेंस आप सबने बहुत सारे अभी तक रीड करे हैं. आज हम इस चैप्टर में सेंटेंसेस को लिखने के बारे में, या सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं, लिखते टाइम क्या क्या रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, उस बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ऑल्दो ये सब मैम ने आपको नोटबुक का वर्क करते टाइम भी बताया हुआ है, लेकिन आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. बेटा सेंटेंसेस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर व्हेन मेक मीनिंग. जब हम कुछ वर्ड्स एक साथ लिखें और उनका कुछ मीनिंग निकल कर आए, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे. अगर हमने कुछ वर्ड्स साथ में लिख दिए, फुल स्टॉप भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो हम उसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे. मैं आपको हिंदी का एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि हिंदी हम डेली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. हम जा रहे हैं, ये एक सेंटेंस है. जा, हम, है, रहे, अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे, तो अगर हम किसी अनजान इंसान को बोलेंगे, उसको शायद समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी. ठीक है, तो इस वजह से उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो गलत तरह से लिखा गया है. उसी तरह से व्हेन वी राइट क्यूट पपीज लिटिल आर, क्यूट पपीज लिटिल आर, इसमें कोई भी सेंटेंस नहीं बन रहा है. इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हम इसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे. जबकि उसी सेंटेंस के वर्ड्स को अगर हम अरेंज कर दें, तो सेंटेंस बनेगा लिटिल पपीज आर क्यूट. इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जो लिटिल पपीज है, छोटे छोटे पपीज होते हैं, वो काफ़ी क्यूट होते हैं. तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है. तो जब हम कुछ वर्ड्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और वो ऑर्डर यानी कि उनको लिखने का क्रम, उनको लिखने का तरीका, कि उसको लिखा कैसे जाएगा. जब हम कुछ वर्ड्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और वो ऑर्डर पढ़कर हमें समझ आता है कि सामने वाला इंसान क्या कहना चाह रहा है या क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, तो उस ऑर्डर के सही तरह से होने पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहा जाता है. अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं. इसमें जिन वर्ड्स को पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है उनका मीनिंग, या फिर आपको उनका ऑर्डर सही लग रहा है, उन्हें हम टिक करेंगे, यानी कि वो करेक्ट सेंटेंस है. और जिनका ऑर्डर गलत है, जो उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं या जंबल्ड से सेंटेंसेस आपको लगते हैं, उनके आगे हम क्रॉस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, टिक द वंस दैट आर सेंटेंसेस. जो सही ऑर्डर है, उन पे हम राइट का निशान लगाएंगे, टिक करेंगे, एंड जो गलत ऑर्डर में, उन पे हम रॉन्ग का साइन लगाएंगे. ए, सैम इज राइटिंग अ लेटर. हमें पता चल रहा है कि सैम क्या कर रहा है, सैम लेटर लिख रहा है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम राइट का साइन लगाएंगे. बॉब डॉग हैज पेट अ, क्या किसी को इसका मतलब समझ आया? नहीं, ये सेंटेंस का ऑर्डर सही नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं है. बॉब डॉग हैज पेट अ, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे. इसकी जगह सही सेंटेंस बन सकता था बॉब हैज अ पेट डॉग, लेकिन ये गलत तरह से लिखा है, तो हम इस पे रॉन्ग का साइन लगाएंगे. टू स्कूल गो लेट अस, क्या इसका किसी को मतलब समझ आया? नो, लेट अस गो टू स्कूल, ये सही सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो गलत है, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे. मदर कुक्स फॉर अस, हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती है, ये सेंटेंस सभी को समझ आया, सो इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, हम यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे. द कैट इज चेजिंग द माउस, द कैट इज चेजिंग द माउस, चेज करना मतलब पीछा करना. द पुलिस चेज इज द थीव्स, तो ये सही सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम राइट का निशान लगाएंगे. Drinking boy the milk is, क्या ये सेंटेंस किसी को सही लगा? No, this is a wrong sentence. The boy is drinking milk. ये होगा सही सेंटेंस. Okay? So we will put a cross sign here.
So on the next page, let's read question number 2. Read these sentences. Circle the words that should begin with a कैपिटल लेटर. हम सब ने कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स करे हुए हैं ना मैम. आपको जब हम वर्क करते हैं तब बताती भी है. हमने नाउन नेमिंग वर्ड्स वाले चैप्टर में भी करा था कि जो प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करना चाहिए. जो सेंटेंसेस का सबसे पहला वर्ड होता है, जो अगर हमने किसी भी सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करा है उसका जो सबसे पहला वर्ड है वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा. प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स यानी कि किसी फेस्टिवल का नाम, किसी इंसान का नाम, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, या फिर डेज नेम, मंथ्स नेम, या फिर किसी भी चीज़ का स्पेशल नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ये वाली चीज़ हमने ऑलरेडी सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास पे करी हुई है. सो लेट्स हैव अ रिविजन. जेसन एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल. जेसन और मैं फुटबॉल खेल रहे हैं. यहाँ पर जेसन का जे, बिकॉज जे इस सेंटेंस का पहला वर्ड भी है, पहला अल्फाबेट है, और उसके अलावा जेसन किसी का नाम भी है, वो कैपिटल है, ठीक है. आई, आई बेटा किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी बीच में आता है तो हमेशा वो कैपिटल होता है. आई भी कैपिटल है. आर प्लेइंग फुटबॉल. तो फुटबॉल यहाँ पर हम थिंग वाले फुटबॉल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर गेम वाले फुटबॉल की बात कर रहे हैं. प्लेइंग फुटबॉल यानी कि गेम खेल रहे हैं वो फुटबॉल का, वो एक स्पेसिफिक गेम खेल रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर नेमिंग वर्ड है. तो यहाँ पर कैपिटल एफ होना चाहिए था लेकिन इन्होंने स्मॉल एफ लिखा हुआ है, तो आप इसे सर्कल कर दोगे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो. अब इस सेंटेंस में दिल्ली एक प्रॉपर नेमिंग वर्ड है तो इसका डी कैपिटल है, तो ये सही है. लेकिन सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए ना. यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट वर्ड स्मॉल से स्टार्ट करा हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू है, तो इसको हम सर्कल करेंगे बिकॉज यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू की जगह कैपिटल डब्ल्यू होना चाहिए, वी का डब्ल्यू. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. देयर आर ओनली 28 डेज इन फेब्रुअरी. फेब्रुअरी का एफ कैपिटल, इट्स गुड, बट यहाँ पर भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं है तो हम इसको सर्कल करेंगे. माई फेवरेट फेस्टिवल इज होली. माई का एम कैपिटल बिकॉज फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए, एंड होली का एच कैपिटल बिकॉज मैम ने आपको बताया कि प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स या फिर किसी फेस्टिवल का, डे का, मंथ का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा. ओके, सो यू हैव टू सर्कल होली ऑल्सो बिकॉज किसी भी फेस्टिवल का नाम, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सारे हम किस से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सी विच इज क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. जब हम किसी से बात करते हैं तो हम या तो सवाल पूछते हैं उनसे, या हम किसी बात का जवाब देते हैं, या फिर अपनी हैप्पीनेस शो करते हैं. हम किसी से बात हमेशा एक तरह से नहीं करते, कई बार हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम डू वी हैव टू डू दिस, मम्मा व्हाट आर यू हैविंग फॉर लंच और समथिंग लाइक दैट, या फिर हम किसी को बताते हैं कि आज मुझे बहुत मजा आया, है ना, या फिर कुछ भी बताते हैं, आई हैव टू न्यू पेंसिल्स, आई हैव अ न्यू बैग, आई हैव समथिंग न्यू टू शो यू, या फिर हम किसी को अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, वाओ दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल. तो उसी तरह से हम जब किसी से बात करते हैं हम बहुत अलग अलग तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं. कुछ सेंटेंसेस हम अपनी बात बताने के लिए कहते हैं, कुछ सेंटेंसेस हम लोगों से जानने के लिए, उनसे पूछने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है. कभी कभी हम अपनी अलग अलग फीलिंग्स लोगों को बताते हैं कि हम हैप्पी हैं या सैड हैं, या फिर कई बार हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डोंट सिट हियर, डोंट मेक नॉइज, डोंट डू दैट, या फिर डोंट प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन, ऐसे करके, है ना. सो इस तरह से जब हम बात करते हैं किसी से तो हम बहुत तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं. जिस सेंटेंस में हम अपनी बात किसी को बता रहे हैं, हम सिंपली कोई बात कर रहे हैं, या जैसे कि आई हैव ईटन माई लंच, आई हैव डन माई वर्क, तो वो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके बाद हम क्या लगाते हैं, उनके बाद हम लगाते हैं फुल स्टॉप. फुल स्टॉप आप सबको पता है, एक ये जो छोटा वाला डॉट है इसे हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप. व्हेन वी आस्क एनीथिंग टू एनीवन, जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं जिसका हमें जवाब जानना होता है, तो उसके बाद, उस सेंटेंस के बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क. क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क.
जैसे कि हम इंग्लिश की नोटबुक में जब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो क्वेश्चन के बाद मैम आपको क्या लगाती है, पुट अ, क्या कहती है, पुट अ क्वेश्चन मार्क, एंड आंसर्स के बाद हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। उसी तरह से जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स शो करनी होती है, जैसे कि वाओ, ओ नो, ऐसे कर, तो हम कौन से साइन का यूज करते हैं, इस साइन का, इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमनेशन मार्क, EXXCLAM क्लैम, ATION शन, एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी हम TION साथ में लिखते हैं, जैसे कि नेशन जैसे वर्ड्स में, तो उस वो जो TION है वो किसकी आवाज़ निकालते हैं, वो शन की आवाज़ निकालते हैं। सो प्लीज़ रिमेम्बर दैट, ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क हमें बहुत सारी चीज़ों की एक्सप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, फॉर सरप्राइज, एक्साइटमेंट, इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग चीज़ों के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने तीन चीज़ों के बारे में सीखा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज थ्री। बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री में आप देखोगे इन्होंने हर सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, हमें नहीं लगाना था। द कैट इज ऑरेंज, ये कोई सवाल है, ये कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, तो हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना था, तब भी इन्होंने लगा दिया है। तो हमें बताना है कि इन्होंने सही क्वेश्चन मार्क लगाया है या रॉन्ग क्वेश्चन मार्क लगाया है। वी हैव टू क्रॉस द सेंटेंसेस दैट शुड नॉट हैव अ क्वेश्चन मार्क, ओके। जिन सेंटेंसेस में गलत क्वेश्चन मार्क लगाए उन पे हमें क्या करना है, क्रॉस, और जिनमें सही जगह पर यूज हुआ है वहां पे हम करेंगे टिक। द कैट इज ऑरेंज, क्रॉस, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये तो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये सही क्वेश्चन मार्क। पॉल लव्स टू प्ले, ये एक स्टेटमेंट है, पॉल को खेलना पसंद है, हमने पूछा नहीं है कि पॉल को क्या खेलना पसंद है, तो इस वजह से यहाँ पर क्रॉस आएगा। विल यू प्ले विद मी, यस, ये एक सही क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। आई लाइक टू रीड बुक्स, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, सो वी विल पुट अ क्रॉस हियर। डू यू लाइक डॉग्स, दिस इज अ क्वेश्चन, सो वी विल पुट अ राइट साइन हियर। ओके चिल्ड्रन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। Use capital letters where required. One has been done for you. आपको इस sentences में क्या करना है, यहाँ पर आपको sentences लिख कर दे दिए हैं, लेकिन उनमें first letter capital भी नहीं लिखा, उनके बाद full stop भी नहीं लगाया, उनके अंदर अलग अलग जगह पर जो भी punctuation required थी वो सब नहीं करी गई है। Punctuation यानी कि जैसे कि sentences में उनको लिखने का तरीका सही होना। ये सारे sentences को लिखा तो हुआ है, लेकिन इनको लिखने का तरीका बहुत गलत है। तो आप सबको ये काम दिया है कि इनके अंदर जो गलती है उन्हें ठीक करो। तो आज तो आप मैम बन गए, आज आपको ये सारे के सारे वर्क जो इन्होंने बुक पे गलत लिख कर दिया है उसको ठीक करना है, ओके। जैसे पिंकी है, पिंकी में पी कैपिटल और सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, इसी तरह से। डिड यू डू योर होमवर्क, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, और बाकी सेंटेंस आपको वैसे के वैसे ही जो सही लिखा है उसे सही करके दोबारा ही लिखना, ठीक है। आई एम गोइंग टू द पार्क विद विकी, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, एंड विकी इज अ प्रॉपर नेमिंग वर्ड, एक इंसान का नाम है, तो विकी का वी क्या होगा, कैपिटल। माय बर्थडे इज इन जून, ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, एंड यहाँ पर बेटा जून, जून इज अ मंथ नेम, तो उसका जे कैपिटल, क्वेश्चन में भी कैपिटल है, आपको भी कैपिटल ही लिखना है। ई पार्ट, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन है ना, सो वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर, एंड वेयर का डब्ल्यू कैपिटल, बिकॉज फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज बी कैपिटल। जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल इन ऑल द सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर फाइव, आपको यहाँ पर क्या करना है, आइए रीड करते हैं। रीड द सेंटेंसेस, राइट एफ फॉर फीलिंग्स एंड आई फॉर इंस्ट्रक्शंस। फीलिंग्स यानी कि जो हम बहुत खुश होकर या बहुत दुखी होकर या गुस्से में बात कहते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन यानी कि जब हम किसी को कई काम करने के लिए कहते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है, ठीक है।
जैसे कि ओपन द विंडो नाउ, विंडो खोलो। ये कोई फीलिंग है या इंस्ट्रक्शन? इसमें हम किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं। जब हम किसी को कोई और काम करने के लिए कहते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो ओपन द विंडो नाउ इज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के लिए आई। वाओ, यू आर हियर लास्ट, मतलब अब तुम्हें, अब ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। वाओ यू आर हियर लास्ट मीन्स बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तो इट्स अ फीलिंग, वाओ इज अ फीलिंग। वी आर लॉस्ट, इसमें हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रहे ना कि अरे अब हम क्या करें, खो गए। ये एक फीलिंग है तो इसलिए यहाँ पर एफ आएगा। टेक योर लेटर विद यू, लेटर यानी कि जो छोटा छोटा कूड़ा होता है, तो जो आपने कूड़ा फैलाया है उसको आप अपने साथ लेकर जाओ, ये एक इंस्ट्रक्शन है। डोंट वॉक ऑन द ग्रास, ग्रास पे मत चलो, दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन। दैट्स अ ग्रेट न्यूज, इसमें हम किसी को कोई और काम करने के लिए नहीं कह रहे, सो दिस इज अ हैप्पी फीलिंग कि ये बहुत अच्छी न्यूज है, दिस इज अ ग्रेट न्यूज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल। यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन, आपको ये वीडियो एटलीस्ट 2 times देखनी है। ओके, एंड यू हैव टू डू दिस पेज इन होमवर्क। इस पेज में क्या वर्क है, इसमें जैसे कि यहाँ पर एक फिश ड्रॉ करी हुई है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपको खुद ही पूछना है, आंसर भी आपको खुद ही लिखना है। व्हाट कलर इज द फिश, फिश कौन से कलर की है? इट इज ऑरेंज कलर। अब यहाँ पर आपका होमवर्क क्या है, आपको एक कैट ड्रॉ करनी है, उस कैट के बारे में आपको एक सवाल पूछना है और खुद ही उसका आंसर भी लिखना है। यू कैन आस्क क्वेश्चन लाइक इज द कैट ब्यूटिफुल, इज द कैट ऑरेंज इन कलर, या वट एवर, जो भी आप लिखोगे क्वेश्चन, और उसका उसी हिसाब से आंसर लिखना है। ओके चिल्ड्रेन, सो डू दिस वर्क।